खुमी, इस टेस्ट से जो शुगर का स्ट्रिप से करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक यानी एग्जैक्ट रीडिंग तो खून में नहीं दे रहा होता है, लेकिन इससे एक रफ आइडिया हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग शुगर जिनको है वो अपना कंट्रोल चेक करने के लिए इस स्ट्रिप से ही शुगर करते हैं। खुर्शीद बलोच, शुक्रिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप स्क्रीनिंग करके फॉर द फर्स्ट टाइम आपका शुगर बढ़ा हुआ आया, अच्छा ये रेंजेस भी मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रैंडम की रेंजेस हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 140 से कम है तो बिल्कुल ठीक है, 140 से 200 के दरमियान है तो समझ लें बॉर्डर लाइन आ गया है, और 200 से ऊपर आया है रैंडम शुगर तो ये दवाई वाली शुगर है। लेकिन देखें भाई, एक रीडिंग पे किसी को फौरी लेबल लगा देना कि आपको शुगर का मर्ज हो गया, ये बहुत मुश्किल है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको डबल और ट्रिपल चेक करते हैं। और डबल और ट्रिपल चेक करने का क्या तरीका है, जैसे फर्ज किया, हिना हमाद शुक्रिया, शहबाज शहबाज शुक्रिया, इसको डबल चेक करने का क्या तरीका है कि आप फास्टिंग शुगर कर लें। फास्टिंग शुगर क्या है कि 12 से 14 घंटे आप कुछ ना खाएं और उसके बाद जाके अपनी शुगर खून के जरिए से चेक करा लें। इस फास्टिंग में जो लिमिट है वो लेस देन 100 नॉर्मल है, 100 to 126 ये बॉर्डर लाइन है, और 126 से ज़्यादा दवाई वाली रेंज है। अच्छा, इसमें भी जो रेंजेस आती हैं, जाहिर सी बात है वो एक स्पॉट शुगर है, एक लम्हे की शुगर है। इस दौरान आपके अपने जिस्म ने किस तरह काम किया, क्या उसका स्टेटस था, तो ये भी मुमकिन है कि ये आपकी रेंज दवा वाली दिखा रहा हो लेकिन आपको दवा की जरूरत ना हो। तो फिर उसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम 3 महीने की एवरेज वाला शुगर करते हैं। अच्छा, अब वो जो 3 महीने, शुक्रिया डॉक्टर असलम भट्टी, आपके तो बड़े कॉमेंट रहते हैं, टॉप फैन है हमारे डॉक्टर असलम भट्टी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अब ये जो 3 महीने की एवरेज वाला शुगर है, ये इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि इसके लिए अच्छी लैब होनी चाहिए। इसमें अक्सर लेबोरेटरीज गलतियां भी कर देती हैं, तो इस वजह से ये जो 3 महीने का एवरेज करना हो ये किसी अच्छी लैब से करें। वैसे तो अब हमारे पास दो तीन चार किस्मों की शुगर हो गई, फास्टिंग शुगर हो गई, रैंडम शुगर हो गई, हीमोग्लोबिन A1C वाली हो गई। एक रैंडम एक और नौइयत की होती है जिसमें हम मरीज को ग्लूकोज का लोड देते हैं, यानी 75 ग्राम ग्लूकोज खिला दिया गया और उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद शुगर चेक कर ली, या पहले ऐसा भी होता था कि आधे आधे घंटे बाद शुगर की एक रेंज देखी गई। इसमें क्या होता है कि आप पेनक्रियास को चैलेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि वैसे रैंडम जो शुगर कर रहे हैं, आपकी गिजा आपने शायद ऐसी गिजा ली हुई हो जिसमें शुगर की मकदार ज्यादा ना हो, तो वो वाली रैंडम वो वाली लिमिट तो नहीं एक्वायर कर सकेगी जो एक डायबिटिक की रेंज है, वो हमें पता नहीं चल सकेगी। तो इस वजह से एक चौथा तरीका ये भी है कि मरीज को थोड़ी सी शुगर खिला दी जिसकी हम शुगर की तशखीस करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि पेनक्रियास को समझ लें आपने चैलेंज कर दिया, 200 ग्राम का ग्लूकोज दिया और फिर देखा कि ये पेनक्रियास आपका, ये जो आपने 200 ग्राम का ग्लूकोज दिया है, OGTT इसे कहते हैं, ये ग्लूकोज चैलेंज कह लें, OGTT जो पहले करते थे वो आधे आधे घंटे पे करना होता था, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, एक बार करने वाला है कि आपने उसके डायरेक्ट 2 घंटे बाद कर ली। तो इस ग्लूकोज के लोड के साथ अगर 2 घंटे बाद भी 200 से ऊपर है तो इसका मतलब है पेनक्रियास में गड़बड़ शुरू हो गई। अब मैंने आपको 4 तरीके के टेस्ट बता दिए जिससे आप शुगर की तशखीस अपने तौर पे भी कर सकते हैं, और ये मैं ज़रूरी समझूंगा ख़ास तौर पे जिनके ख़ानदान में शुगर है और जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो अपनी शुगर